कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। पागलपन होता है उस सपनों के लिए, और बचपन से कुछ ऐसा ही पागलपन था एक मालिक के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज सब जानते हैं कि यह बंदा अरबों की बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर वन बने रहने के लिए जो मेहनत है उसे कुछ ही लोग जानते हैं। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने रात को अपने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ को हिलते हुए देखा। उन्हें लगा कि कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर तब तक तो एक गेम इस बंदे की जान बन चुका था। अब इसके पास दो रास्ते थे, या तो खेलना छोड़ दे या एक रिस्क की सर्जरी करा ले, और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। अभी उससे उभरे नहीं थे कि इस बंदे पर दूसरा पार्ट टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई। इससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। घर का खर्चा चलाने के लिए रोनाल्डो की मां को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबत के बावजूद भी इस बंदे ने अपने जुनून के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। यह होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। ऐसे ही पागलपन लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो की फिटनेस कोच बताते हैं कि चैंपियन लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात के 2 बजे शहर से लौटे तब उनके सारे साथी घर चले गए। वही ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है विनर का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद को कल से कम कंपेयर करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंट प्लेयर नहीं है, पर इस बंदे से ज़्यादा हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता। हार्डवर्क की बदौलत ही कामयाबी इनकी कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर वन बनना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है नंबर वन बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वह सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर वन बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड पर आते हैं और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। ऐसा ही किस्सा यह बताते हैं कि यह रोनाल्डो के साथ दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद ये रोनाल्डो के घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेकर यह बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की पत्नी से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस, वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से जब तक कि वो सपना हकीकत में न बदल जाए, फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों न करने पड़े। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।